न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल बीएन घाटी वृंदावन रेसिडेंसी ब्लेस हॉस्पिटल विघ्नेश्वरा मार्बल श्री जानकी स्टोर एब्रोज आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत फुलझड़ के इंडियन ऑयल आवास के तीसरी मंजिल में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग चार घायल आसनसोल नगर निगम के बोर्ड बैठक में बजट पेश 421,62,85,000 का व्यय खाता पेश 11 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआईएम का काकसा वीडियो कार्यालय पर घेराव धरना प्रदर्शन दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत फुलझड़ से सटे इंडियन ऑयल्स आवास की तीसरी मंजिल पर बुधवार दोपहर सिलेंडर फट गया। घर में आग लग गई। तेज आवाज से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की मदद से घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में चार लोगों को बचाकर उन्हें विधान नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक आवास संख्या 304 में एक गर्भवती गृहिणी समेत तीन लोग रहते थे। कई दिन पहले घर पर दो रिश्तेदार आए जिनमें एक बच्चा भी था। पड़ोस के आवास संख्या 303 में सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। पूरी घटना में 6 लोग घायल हुए। की হয়েছিল ঘটনা एक्चुअली আমাদের কাছে একটা কল আসে যে একটা ইন্ডিয়ান অয়েল মিট আবাসনিকে ওখানে একটা গ্যাস ফায়ার হয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হয়েছে নাকি তো আমরা আসে দেখছি যখন দেখছিলাম কিছু সিভিক পুলিশ একজন ভদ্রমহিলাকে রেস্কিউ করে নিয়ে যাচ্ছেন তো আমরা দেখছিলাম প্রচন্ড আগুনের ফ্লেম বেরোচ্ছিল জানলা দিয়ে দুদিক দিয়ে তো আমরা মোটামুটি আধা ঘন্টার চেষ্টায় আগুনটা কন্ট্রোলে এসেছি ইউজ করিয়ে আমরা গিয়ে তার ভিতরে এন্ট্রি করলাম ভিতরে এন্ট্রি গিয়ে দেখলাম কোনো আর সেভেন কিলো আর ইয়ে ছিল কেজিগুলো ছিল না ফাঁস করলাম তারপরে আমরা ভিতরে গিয়ে এন্ট্রি নিয়েছি এন্ট্রি নেওয়ার পর দেখলাম ঠিক আছে সব এবারে ওনাকে এখন জানি না কজন ছিল ভিতরে আমি বুঝতে পারছি না কী থেকে হয়েছে মনে হচ্ছে কী দেখলাম কী থেকে দেখলাম তো একটা তো গ্যাস সিলিন্ডার পুরোটাই বাস্ট হয়েছে संदेश खाली घटना के विरोध में आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ऑफ पश्चिम बंगाल महिला समिति पश्चिम बर्धमान जिला काउंसिल की तरफ से संयुक्त रूप से आज रविंद्र भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीपीआई के युवा संगठन और महिला संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जहां करारा प्रहार किया वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। हमारे राज्य महिला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थाका सत्त्वेও राज्य महिलाদের কোনো নিরাপত্তা নাই। বর্তমানকালে জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে সন্দেশখালি, যেখানে মহিলাদেরকে একদম রাতের বেলায় তৃণমূলের সমস্ত নেতৃত্ব নেতা গুন্ডা বাহিনী তারা রাতের বেলায় গিয়ে হচ্ছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের উপরে শ্লীলতাহানি, তাদের উপরে যে অত্যাচার, তাদেরকে ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে শুধু সন্দেশখালি নয়, সারা রাজ্য জুড়ে এরকম ধরনের অসংখ্য শেখ আজাহান তারা কিন্তু গজিয়ে উঠেছে এবং রাজ্যটাকে তছনছ করে দিল। এটা আমাদের একটা দাবি যে রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে হবে, যে সমস্ত ধর্ষণকারী তাদের উপযুক্ত সাজা দিতে হবে এবং ইলেকশনের আগে তাদেরকে জেলবন্দি করতে হবে, এটা আমাদের প্রথম। দ্বিতীয় ডিমান্ড হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে যে বাজেট হলো এই রাজ্যের বাজেট হচ্ছে শুধুমাত্র ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 500 থেকে 1,000 টাকা করে দেওয়া আর কিছু ভোটের পরিকল্পনা করে তারা বাজেট করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রেও যে অন্তর্বর্তীকালীন যে বাজেট সেই বাজেটও হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা রং চড়িয়ে মানুষের কাছে জনমোহিনী একটা বাজেট। चांदापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क आसनसोल 3। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार,
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहां आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियां और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहां मिलेगी सुमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिस्ट कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 2024-25 के लिए 421 करोड़ 5 लाख रुपए आय तथा 421 करोड़ 62 लाख 85 हजार रुपए व्यय का बजट मेयर विधान उपाध्याय ने पेश किया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में बुधवार को निगम मुख्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में मेयर ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। मेयर ने कहा कि नगर निगम के सभी अस्थायी कर्मचारियों को PF के दायरे में लाया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले नगर निगम में 5 साल सेवा की है, कि सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु दुर्घटना के कारण कर्मचारियों को एकमुश्त पेंशन के रूप में 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त राजू मिश्रा, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक समेत बड़ी संख्या में पार्षद उपस्थित थे। बरद्द करा हुआ प्राय 421 कोटी रूपए एवं आसानसोल के प्रथम दिन थे आसानसोल के सुंदर को सजानो, आसानसोल मानुष के परिसेवा देवा, जगह प्रथम दिन लिखे सेटाई बजेट प्रतिफलित हो সব দিয়ে স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিক দিয়ে বাজেট ধরা হয়েছে। আমরা আপনাদেরকে বই দিয়ে দেবো একটা বাজেটের বুকটা, এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা আমরা করতে পেরেছি, আমাদের যে কল্যাণেশ্বরী গেস্ট হাউস রয়েছে বা আমাদের দীঘাতে যেটা জমিটা রয়েছে সেগুলো না আমরা এতদিন থেকে পড়েছিলাম, আমরা এবারে বাজেটে কিন্তু ধরে নিয়েছি এবং সেগুলো কাজগুলো আমরা চালু করছি। গেটগুলো আমরা গতবার বলেছিলাম কাজ চালু করছি, আমরা কাজ চালু করে দিয়েছি অলরেডি, সেখানে বাজেটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমাদের সবচেয়ে RCH ওখানে প্রায় 33 জন আমাদের স্টাফ কাজ করছিল, সেখানে সিকিউরিটি গার্ড ছিল বা বিভিন্ন যাতে কাজ করতো, তারা প্রথম দিন থেকে 2400 টাকা বেতন পেত, সেটাকে আমরা বাড়িয়ে 5600 টাকা প্রতিজনকে করেছি। মানে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রূপ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন দিন মানুষের সাথে থেকে মানুষের পাশে থেকে আজকেও ICDS এর প্রাইস 750 টাকা করে দিয়েছেন পার হেড, এবং আশা কর্মীদের 750 করে দিয়েছেন। आसनसोल और दुर्गापुर में लोकसभा चुनाव के पहले सेंट्रल फोर्स के जवान पहुंच चुके हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस इलाके में फिलहाल 3 कंपनी केंद्रीय बल के जवान आए हैं। जवानों ने पुलिस के साथ मिलकर कुल्टी, अंडाल आदि इलाकों में रूट मार्च किया। वहीं दुर्गापुर के कादा रोड इलाके में केंद्रीय बल के जवानों ने रूट मार्च किया। इस दौरान वोटरों से बातचीत भी की, वोटरों को निर्भय होकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने को कहा। আর এখানে তো উত্তেজনাপূর্ণ থাকে, তো সেই জন্য আপনারা দেখে গেলেন, আগে আগে এসে এখন এখন আরো দু একবারও আসবেন, দেখে গেলেন, কোনো অসুবিধা নেই। স্কুলটা বুথ হয়? হ্যাঁ, স্কুলটা বুথ হয়। প্রতি বছর উত্তেজনা থাকে? প্রতি বছর থাকে না, থাকে মোটামুটি। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। सीपीएम द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर कांकसा बीडीओ कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खेत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुषार घोष, खेत मजदूर एवं आदिवासी अधिकार मंच के नेता बानिया टूडू, DYFI प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। मीनाक्षी ने कांकसा बीडीओ को दोनों कान कटा हुआ और बेवकूफ कहकर व्यंग किया। इसके साथ ही राज्य सरकार पर घोटालों और अन्य मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। নারী শক্তির কত বৃদ্ধি হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে। কোল ইন্ডিয়া পলিসি করেছে, 10 বছরের কাজ যদি বাকি থাকে বিনা আনফিট সার্টিফিকেটে কোনো মহিলা কর্মী যদি থাকেন তিনি তার কাজটা ছেড়ে পরিবারের একজনকে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি নারী শক্তির বিকাশে কাজ করেছেন। বামপন্থীরা আমরা বলেছিলাম যে ইলেকশনে 50% নিচে, ন্যূনতম 50% আসন সংরক্ষণ, মমতা ব্যানার্জি বলেছেন সর্বোচ্চ 50% আসন সংরক্ষণ। তাহলে যারা নারী শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের মেন্টালিটি পরিষ্কার বোঝা যায়। পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদ এবং পঞ্চায়েতের প্রধানদের কাজের জন্য তারা একটা ট্রেনিং করেছেন এবং নির্লজ্জের মতন সরকারি নোটিফিকেশনে সেটা ওরা বার করেছে যে তারা নয় তাদের স্বামীদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এটা নারী শক্তির অগ্রগতির জন্য করছেন। आज आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घटक, आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, गर्ल्स कॉलेज के विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं उपस्थित थे। गर्ल्स कॉलेज आज के बार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता छिलो गर्ल्स कॉलेज मेयेदेर निये NCC তরফে গার্লস কলেজের যে টিম আছে তাদের মাধ্যমে সুন্দরভাবে এটাকে কোর্সটাকে আরম্ভ করা হলো এবং প্রথমে পতাকা উত্তোলনের মধ্যেখান দিয়ে পরবর্তীকালে শান্তির বাতাবরণ গড়ার জন্য এবং সাদা পায়রা উড়িয়ে সেই ব্যবস্থাটা করা হলো। प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल,